हेलो गाइस, वेलकम बैक माय ब्लॉग। दोस्तों, आज का ये ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्ट होने वाला है और आज के इस ब्लॉग में आपको एक पपीता का बाग बताने वाला हूँ। जब हम खेत पे आए तो हमने सोचा कि चलो इधर घूमने चलते हैं, और ये पीछे आप देख सकते हो ये पपीता का बाग है, और इस पर पपीता कैसे आती है वो बताने वाला हूँ, तो आप ब्लॉग में बने रहेगा। तो दोस्तों, मैं बाग के अंदर हूँ और ये देखो काफ़ी सारी पपीता हैं, लद रही है पेड़ पर और पेड़ पर पक भी रही है, तो आनंद है इधर पपीता खाने का। ये देखो दोस्तों, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। मैं पीछे का कैमरा चालू करता हूँ और आपको बताता हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों, इस तरह से पेड़ पर पपीता आती है और इसी तरह से खेती करते हैं पपीता की, ऐसे खेती करते हैं। ये देखो, इन पर डोलियों पर बरसाती लगा रखी है, शुरू से लेके बड़ा पौधा होने तक ऐसे ही इनकी देखभाल करते हैं, और इन पर ड्रिप लगी हुई है जो पानी जाता है, इनमें बूंद बूंद से इनमें पानी जाता है, पानी वेस्ट भी नहीं होता है। आप देख सकते हो इधर और इधर भी। आप मुझे कमेंट में बताना आपको ये बाग कैसा लगा, पपीता के पौधे कैसे लगे, और इन पर देखो ऐसे लदे हुए हैं फल। अगर आपको दोस्तों पपीता पसंद है तो कमेंट में बताना कौन सा फल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो बताना। तो दोस्तों, इधर बताता हूँ, ये पेड़ पर ज़्यादा पपीता आ रहा है। ये देखो दोस्तों, ऐसे पपीता आता है। भाई लोगों देखो, ये यहाँ पर पेड़ पर भी पकी हुई है पपीता आम की तरह। ये तो इस पपीता को हम तोड़ लेते हैं एक, ठीक है, इसको आम की तरह खाएंगे। और इधर भी बताता हूँ, काफ़ी अच्छा है नज़ारा, बहुत मज़ा आया घूमने को। इधर इधर एक बार देख देता हूँ आपको, ऐसे पकती है पपीता ये एकदम आम की तरह। तो दोस्तों, ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा और आपको बाग बता दिया मैंने, और आप कमेंट में बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और देखो इधर काफ़ी सारी पपीता है, इधर हमारी तरफ खेती होती है, तो मैं खेत पर आया था, मैंने सोचा कि चलो उधर घूम के आते हैं, और अभी 8 बज रहा है सवेरे का, तो चलो इस ब्लॉग को एंड करते हैं। और ये देखो आम की तरह पपीता है, काफ़ी अच्छी मीठी लगती है, और इस सीज़न में और ज़्यादा मीठी लगती है बरसात के सीज़न में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। एक बार और बता देता हूँ, ये देखो पपीता ही पपीता से लदे हुए हैं पेड़। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।